हेलो लियो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर लियोस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए लियो। ये कुछ कंफ्यूजिंग है। एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स, टू ऑफ वांड्स, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके लियो, तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक आप अपने इमोशंस से लड़ रहे हैं। मैं उन लियोस की बात कर रही हूं स्पेशली जिनके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त, या फिर जो सेपरेशन में है। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं, और एक तरीके से इस फीलिंग्स से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स आपको वीक बनाती हैं। ये फीलिंग्स आपको कंट्रोल कर रही है। लियोस, आपको दूसरे लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल कर रही है और ये चीज आपको पसंद नहीं आ रही। लियो होने के नाते आपको कंट्रोल में रहना पसंद नहीं, और जब आपको ये फीलिंग्स वीक करती हैं तो आपको स्लेव जैसा महसूस होता है, आप कमजोर फील करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास आप वापस नहीं जाना चाहते, जिसको आप अपनी वापस लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं बार बार आपको मजबूर करती हैं। यहां पे सिक्स ऑफ कप्स के साथ ही कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप लंबे समय तक रहे हो। लियो, आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, स्वीट मेमोरीज को, कि आपने कितना अच्छा वक्त बिताया था, क्या दिन थे वो भी, और इस तरह की बातें, रोमांटिक चीजें। लेकिन यहां पे एस ऑफ कप्स के साथ आप देखेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और वो पर्सन आपके सामने आएगा, किसी ना किसी तरीके से आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, एटलीस्ट आपको मौका मिलेगा, वो पर्सन अवेलेबल होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे वापस चाहते हैं या नहीं, या वापस उसे अप्रोच करते हैं या नहीं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, क्योंकि यहां किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंजॉय कर रहा है कि आप इमोशनली वीक पड़ चुके हैं और अब आप कंट्रोल किए जा सकते हैं। उन्होंने ये चीज देख ली है, उन्होंने आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड की है, और उन्हें लगता है कि आपके वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं उनके प्रति, उसका वो एडवांटेज ले सकते हैं, उसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं,
और किंग ऑफ सॉर्ड्स एग्जैक्टली वही करना चाहता है, क्योंकि वो आपको अप्रोच करेगा, ये पर्सन जो भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को एंटरटेन करने से खुद को रोक पाएंगे, आप इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। पर याद रखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स के इरादे अच्छे नहीं हैं। इस पर्सन से आपका रिलेशनशिप जो था वो टॉक्सिक था, और ये आपका एडवांटेज लेने के इरादे से यहां आया है। यहां एट ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। मेरे ख्याल से ये किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट आपसे लेना चाहे, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल बेनिफिट, लेकिन किसी ना किसी तरीके की हेल्प आपसे मांगेगा जिससे उसके काम बने। और तो ये एक जनरल रीडिंग है लियोज, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहा हो। एंड ईयरली 2021 की रीडिंग अगर आप देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहां एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स में है, जिसको आप ब्लेसिंग समझ रहे हैं कुछ ही देर में आपको समझ में आएगा कि वो चीज ब्लेसिंग नहीं है। जैसे ही ये पर्सन आपको अप्रोच करता है या आपके सामने आता है, आपको लगेगा भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी दुआ जो है वो कबूल हो गई है और ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ गया है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके इंटेंशन कुछ और है, और एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स के साथ आप ये रियलाइज करेंगे कि जिसको आप जिसको आप ब्लेसिंग समझ रहे थे वो एक प्रॉब्लम बन गया है वो इंसान। यहां पे टू ऑफ वांड्स के साथ आपको अपने हेल्थ की तो ध्यान रखने की जरूरत है ही, और हर चीज पे ध्यान रखिए, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपको कंट्रोल करके, आपके इमोशंस को कंट्रोल करके हर तरीके का फायदा आपसे उठाना चाहेगा, एंड इन द एंड आपका सब कुछ लेके। यहां आप देख रहे हैं सिक्स ऑफ वांड, किंग ऑफ सॉर्ड्स और सिक्स ऑफ वांड, आपका फायदा उठाकर ये पर्सन आपके लाइफ से जाने का इरादा रखता है। ये सिक्स ऑफ वांड्स आप देख रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि इसने आपका एडवांटेज उठाकर या आपको मैनिपुलेट करके कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इसे लग रहा है कि ये जो चाहे वो कर सकता है, और इसे ऐसा लग रहा है कि चूंकि आपके इमोशंस पे इनका हक है या इनका कंट्रोल है, तो ये आपके मास्टर हो गए हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इस चीज को वो एक लव अफेयर या रोमांस से ज्यादा मुझे लग रहा है कॉम्पिटिशन या फिर कंट्रोल का मैटर समझते हैं कि कौन किसे कंट्रोल करेगा। और यहां पे ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है लगातार इस वीक में, हालांकि ये सिर्फ एक वीक की रीडिंग है तो इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये एनर्जी तो चेंज होती ही रहती है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है लियो मैसेजेस फॉर लियो फॉर द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो आपको कहा जा रहा है कि एक शुरुआत होती है हर चीज के खत्म होने से। आप इस रिलेशनशिप को खत्म करने से डर रहे हैं लियो, जबकि आप जानते हैं कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है, जब कोई चीज खत्म होगी तभी कोई नई चीज शुरू होगी, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बना सकेंगे। जब ये नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है, ये आपको यूज कर रहा है, तो इस पर्सन को जाने दीजिए। अपने आप को अपने इमोशंस का गुलाम ना बनाएं। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके जितने भ्रम हैं, आपकी जितनी गलत फहमियां हैं, वो सब इस वीक में साफ होंगी। आपको सबके सच्चे चेहरे देखने को मिलेंगे कि उनकी असलियत क्या है, और फिर आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।